विनायक सेन को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है। इस आदेश का हम सम्मान करते हैं। ये एक न्यायिक प्रक्रिया का अंग है। पूर्व में उनको ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया, अपील अभी पेंडिंग है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, जहां पर बेल की प्रार्थना को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बेल दिया है। पूर्व में ट्रायल के पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके बेल को रिजेक्ट किया था। अब जो मेरिट पर उनके अपील की सुनवाई है, वो सुनवाई की प्रक्रिया मेरिट पर कानून के अनुसार होगी, ये हमारा मानना है। सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रांटेड बेल टू मिस्टर विनायक सेन। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लीगल प्रोसेस। मिस्टर सेन वॉज कन्विक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट। ही फाइल्ड अगेंस्ट दैट कन्विक्शन इन द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट वेयर द अपील इज पेंडिंग प्रेजेंटली ऑन मेरिट्स। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट रिजेक्टेड हिज प्ली फॉर बेल। अर्लियर ऑल्सो बिफोर द ट्रायल द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो रिजेक्टेड हिज प्ली फॉर बेल। नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रांटेड बेल। वी रेस्पेक्ट दैट ऑर्डर। इट इज एन इंटरलोकेटरी स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड द अपील वुड बी हर्ड ऑन मेरिट्स। मित्रों, दूसरा एक विषय है, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद के चुनाव में भाजपा के कुछ विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया है और पार्टी ने अपने सारे 11 विधायकों को का इस्तीफा लिया है विधानसभा से, जो विधानसभा के स्पीकर को संबोधित है। अभी यह पत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारे विधायकों को 19 तारीख को बुलाया है, फिर पार्टी इसमें आगे निर्णय करेगी। The BJP has taken a very strong view about the cross-voting of some of the MLAs in the Jammu and Kashmir Vidhan Sabha in the recently concluded MLC election. The party has asked all the MLAs to resign who have owned up their moral responsibility. The letter of resignation from the Vidhan Sabha is addressed to the Speaker. Presently, it has been sent to the party's national president, Shri Nitin Gadkari, who has summoned them on April 19th, whereafter the party will take a final call. Thank you.